अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। सरपरस्त हज़रात और प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, जब हम कोई खेल का मुकाबला लेते हैं तो उस मुकाबले में ज़्यादा से ज़्यादा जीत हासिल करने की कोशिश करते हैं और हम जीत हासिल भी कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, जब हम जीत हासिल करते हैं तो उसकी खुशी दोबाला होती है। हम उस जीत को ऐसे खुशी के साथ मनाना चाहते हैं ताकि वो यादगार रह जाए। इसी तरह की जीत का जश्न हर कोई मनाता है। जब कोई इंसान जीतता है तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं होती और वो जीत को खूब जोर शोर से और पूरी दुनिया के आसपास के और अपने अतराब के लोगों को ये बताना चाहता है कि मैंने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया और इस कारनामे के अंजाम के एवज में मुझे जीत हासिल हुई और ये जीत मेरे लिए खुशी का बास है। इसी तरह से पुराने ज़माने में भी राजा महाराजे और रियासतों में जब जंग हुआ करती थी और जब जीत हुआ करती थी तो वो जीत का जश्न मनाते थे। कई बार ऐसा होता था कि वलीहद को जब सल्तनत पर बिठाया जाता था तो वो सल्तनत पर बिठाने से पहले जिस जश्न की तैयारियाँ होती थी। प्यारे बच्चों, हम सबक पढ़ने जा रहे हैं माहौल का मताला, हिस्सा दुअम। सबक का नाम है एक बेमिसाल जश्न। आइए इस सबक के बारे में हम मालूमात हासिल करते हैं। किसी शायर ने कहा था कि जिद ऐसी कि खुद ताज उठा, दिल ऐसा कि सीधे किए जूते भी बुजुर्गों के, जिद ऐसी कि खुद ताज उठाकर नहीं बहे।